नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने तथा एक अन्य मामले में छेड़खानी के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि बीते 17 मई की रात उनकी पुत्री घर से अचानक लापता हो गई। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कराकर घटना की विवेचना करते हुए अगवा की गई लड़की को एक सप्ताह बाद बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान पीड़ित लड़की ने बताया कि घटना वाली रात करीब 12 बजे वह घर से शौच के लिए निकली थी। उसी दौरान क्षेत्र के लाडो पूछताछ के दौरान पीड़ित लड़की ने बताया कि घटना वाली रात करीब 12 बजे वह घर से शौच के लिए निकली थी। उसी दौरान क्षेत्र के लाडो ग्राम निवासी यशवंत पुत्र केवल चौहान तथा सोनू पुत्र सतीश चौहान से अगवा कर ले गए और 7 दिनों तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के साथ पास्को एक्ट का मामला दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को गुरुवार की शाम जानकारी मिली कि इस मामले के एक आरोपी सोनू पुत्र सतीश चौहान क्षेत्र के बनकर बाजार में मौजूद है। सटीक सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इस मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। इसी थाने की पुलिस ने घर में घुसकर किशोर व लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी दिनेश पुत्र अवधेश सरोज को शुक्रवार को दिन क्षेत्र गुजर पार्क पुल के समीप से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी स्थानीय बिन मठिया गांव निवासी बताया जाता है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।